हे गाइस, मी आकाश। वेलकम बैक वंस अगेन आकाश व्लॉग्स। सो गाइस, आज रायबरेली के मशहूर मंदिर श्री आस्तिक बाबा मंदिर धाम के दर्शन करने आए हैं। वीडियोस में आगे आपको बताएंगे कि ये कहाँ स्थित है और इस मंदिर की प्रख्याति क्या है, इस मंदिर को लोग क्यों जानते हैं और यहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, किस लिए ये मंदिर इतना विख्यात हुआ है कि लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। रायबरेली के त्रिपुला चौराहे से चलते हुए गंगागंज के रास्ते और गंगागंज हरचंदपुर के बीच से बाएं हाथ पर एक रोड कटी हुई है जो कि इस गांव की ओर जाती है और गांव का नाम है लालीपुर। मेन रोड से इस मंदिर करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बीच में आपको गांव का व्यू देखने को मिलेगा, गांव का सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि यह गाँव लालूपुर के बीचों बीच में स्थित है जो कि लालूपुर गाँव में पड़ता है। यह मंदिर श्री आस्तिक स्वामी मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ पर लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है या कोई भी जहरीला कीड़ा मकौड़ा काट लेता है तो यहाँ पर बाबा के दर्शन करने से लोगों की जान बच जाती है, लोगों का ऐसा मानना है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के दर्शन करने से, यहाँ पर बाबा के दर्शन करने से लोगों की जान बची है, इसीलिए यह मंदिर बहुत विख्यात है। सो फ्रेंड्स, ये आप जो सीन देख रहे हैं ये बाबा के मंदिर का अंदर का सीन है। ये जो चबूतरे पर आप देख रहे हैं कि जो मूर्तियां लकड़ी की रखी हुई हैं ये बाबा की मूर्ति हैं, इसी की पूजा की जाती है। और पीछे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं चबूतरे के पीछे जो छोटी सी मंदिर बनी है यहीं पर ही बाबा के दर्शन होते हैं। और ये जो आप सीन देख रहे हैं ये परिक्रमा स्थल है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद 3 या 5 बार परिक्रमा की जाती है और जो भी मनोकामनाएं मानी जाती है वो पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अगर किसी को सांप काट लेता है तो वो दर्शन करने ज़रूर आता है। यह मंदिर का हवन कुंड है, यहीं पर हवन होता है और यहीं से ही भभूति ली जाती है। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे की ओर और अब मंदिर के आगे आपको दिखाएंगे कि मंदिर के आगे पड़ता है सई नदी और वहां नदी का घाट है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं घाट से आगे की ओर। ये एरिया, ये इलाका जो आप देख रहे हैं इस समय वीडियो में, तो मेले के समय में बहुत धूमधाम होती है, बहुत भीड़ होती है और ये जो जितना एरिया है मेले के समय में बहुत भरा होता है। सावन के महीने में नागपंचमी और गुड़िया के एक दिन पहले यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है और यहाँ इसी मंदिर के अंदर लकड़ी की मढ़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अपनी वीडियो यहीं तक रखते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप यहाँ दर्शन करने जरूर आइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइस बाय बाय।